बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं RahmatLaw.com और मैं उस्वा मुकद्दस चीमा एडवोकेट। आज हम मौजूद हैं पंजाब बार काउंसिल में और यहाँ हमारे जो इंडियन लॉयर्स का डेलीगेशन है वो यहाँ पर आज मौजूद हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बलकरण सिंह औलख साहब, जो कि पंजाब से हरियाणा से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनसे पूछेंगे, वो एडवोकेट भी हैं वहाँ, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में आके उनको कैसा लगा और उनकी ज़ुबान में ही, जिस तरह की हमारी मादरी ज़ुबान भी पंजाबी है तो पंजाबी में इसी गल करेंगे, उन्होंने इतने आके पाकिस्तान की धरती से लाहौर आके कैसा लग गया है। जी सर, तुम्हें लाहौर की धरती से आके कैसा फील हो रहा है? सानू बड़ा माण महसूस हो रहा जी। सानू ऐदा लगता है कि असं अपने ही वतन दोबारा वापस आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह साढ़े उधर बोली है, साडा खाना है, वह बिल्कुल सेम ही है, वही कल्चर है, वही सारा साडा सिस्टम हैगा। सानू कोई फर्क महसूस नहीं हुंदा, सानू ऐदा लगता कि असं अपने देश वापस परते हैं। और ये ऐप बड़ी बड़ी गल होंगी है कि बंदा कहे इतने आके कि असं अपने ही देश दोबारा आए हैं, तो तुहानू की लगता है कि जिस तरह के दोनों ममालिक हालात जा रहे हैं, तकरीबन 72 साल हो चुके हैं, हालात जड़े ने ठीक नहीं हो रहे, असं इन्होंने हालात में किस तरह से सुधार सकते हैं? देखो जी, अगे नालों हालात पहले नालों बहुत बेहतर हो गए हैं, तो असं उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार दोनों तरफ तो होर भी हालात बेहतर पैदा करनगियां। जिन्ना क मैं पहला देखता आया उस नालों काफ़ी हालात बेहतर ने। असं इतने आके बहुत अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो सानू इस तरह का कोई हजे तक ना इंसीडेंट होया, ना सानू कदे महसूस होया कि असी एक पराए मुल्क विच फिरदे हैं। बहुत शुक्रिया बलकरण सिंह साहब के तुसी इत्थे तशरीफ ले आए हो। तुसी क्या किया, तुसी की पैगाम देना चाहते हो इंडिया की आवाम नूं भी ते पाकिस्तान की आवाम नूं भी? पहला तो शुक्रिया अदा करदा जी तुहाडा, ते मैं यही कहना चाहुंदा कि जिन्नी मुहब्बत सानू इत्थे आके लाहौर दे विच मिली है, मैं हिंदुस्तानियों नूं कहना एक बार तुसी जरूर विजिट करो इत्थे आके, बहुत मुहब्बत इंतहा मुहब्बत मिली है। तो असं तो भी यह यकीन दवाने कि जो तुम साढ़े को आए असी तो दुगनी तिगनी करके वापस करा। आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम। फर्स्टली मैं, मेरी ये पहली लाहौर में पहली विजिट है और मैं आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट वेरी सेटिस्फाइड और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। परमिट मी इफ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज माई उर्दू इज़ नॉट दैट गुड। मैं पहली बार आई हैव कम टू लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद द डेलीगेशन फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आई फील हाईली ग्रेटफुल टू एवरी वन हीयर। देखो जी, सानू लाहौर की धरती अलग धरती लगी नहीं, साड़ी अपनी धरती है, साड़ा अपना भाईचारा है, अपना खाना पीना है, सारा कुछ, मतलब सानू बिल्कुल कोई ओपरा नहीं लग्या है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਮੇਂ ਆ ਕੇ पाकिस्तान की धरती में, और वकीलों को बहुत प्यार मिला, हम सबको बहुत प्यार मिला, और अगर आप लोग आप इंडिया आएंगे इंशाल्लाह इससे ज़्यादा प्यार देंगे हम। ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, ये बहुत लंबा रास्ता है जो हमें क्लियर करना है, इतने छोटे छोटे कदमों से बात नहीं बनेगी, बड़े हौसले से हमें चलना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये बात बनेगी। ये जंग का जो दिमाग में है कि ये छोटा कंट्री है बड़ा कंट्री है, ये निकालना होगा। अब कोई छोटा कंट्री नहीं, किसी को भी जीता नहीं जा सकता, ये दिल से मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई दो शक नहीं है कि पाकिस्तान में मेहनवाज बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल जीता है आप लोगों ने। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपका मीडिया प्यार करता है, जैसे हमारे हमें वकील प्यार करते हैं, आप मीडिया से मीडिया प्यार करो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमें जी आके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारी बातें थी जो हम यहाँ पे जानना चाहते थे, और हमारा यही मुल्क है, हम यहीं से गए हैं और हम चाहते थे कि हम यहाँ पे आएं और आपसे मिलें और अपनी ये मिट्टी को देखें, और हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे पास आएं, हम भी आपको दिखाएं। बहुत से लोग यहाँ से गए हैं और हम वहाँ से आए हैं, तो मतलब यहाँ पर रूट्स हैं सभी की, तो हम चाहते हैं कि ये भाईचारा ऐसे ही बढ़ना चाहिए। जो आपने इनिशिएट लिया है, जो एडवोकेट्स ने, जहाँ जहाँ की गवर्नमेंट ने, हम चाहते हैं कि हमारी भी गवर्नमेंट ऐसे ही करे और आप हमें बुलाते रहें, हम आते रहें, आप भी आएं। पहले तो मैं दोनों ही बार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये हमें मौका दिया। सारे जो यहां पर आकर हमने देखा, हमारे दिल में वहां ऐसा लगता था कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद एक दिल में फीलिंग ये आई कि ये तो हम अपने परिवार में ही आ गए,
और बहुत अच्छा लगा। हम इनके मान सम्मान से इतने प्रभावित हुए कि हम इनको ये हमारे पास आए और हम इनको इनकी मेहमान नवाजी करें वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें, आपका बहुत शुक्रिया जयपाल सिंह साहब। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ बहुत से हमारे ऐसे वकला बरादरी के साहिबान मौजूद थे जो कि इंडिया से यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने डेफ़िनेटली यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से, लाहौर की आवाम से उनको बहुत प्यार मिला है, जिसे कहते हैं कि लाहौर जो है वो डेफ़िनेटली ऐसा शहर है जिससे हमेशा इंसानों को, लोगों को मोहब्बतें ही मिलती हैं, मोहब्बतें ही वो समेटते हैं। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, आप दोनों ममालिक से ही रिक्वेस्ट है कि अपने दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं इनको दूर किया जाए, क्योंकि आवाम अमन चाहती है और जब तक अमन कायम नहीं हो सकेगा तब तक ये मुल्क, दोनों ममालिक तरक्की नहीं कर सकेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर हाजिर खिदमत होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।